पानीपत की सभी दशहरा कमेटियों ने अपने आयोजन को विराट व भव्य बनाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। स्वागत द्वार लग चुके हैं, पुतलों को फाइनल टच दिया जा रहा है। सनोली रोड दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा ने बताया कि इस बार पुतलों में हवन सामग्री भी भरी जाएगी ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। रावण का पुतला 70 फुट, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले 65 फुट के रहेंगे। इस बार रावण रथ में युद्ध करता नजर आएगा। सबसे पहले मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ दशहरा कमेटी सनोली रोड की तरफ से। दो साल बाद हम खुले रूप में दशहरा जिमखाना क्लब के सामने सेक्टर 25 में मनाने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दो साल कोरोना के कारण हमने जो ये दशहरा मनाया बड़ा सूक्ष्म रूप में मनाया। इस बार लोगों में हमारे सेवादार में उत्साह भी बहुत है कि इस बार कुछ नया भी किया जाए। उसी कड़ी में हमने कुछ 3-4 प्रोजेक्ट नए भी किए हैं इस बार। सबसे पहला तो हमने जैसे पिछले दो सालों में तो हमने छोटे छोटे रावण के पुतले बनाए थे 20-25 फुट या 30 फुट के, इस बार हम 70 फुट का रावण का पुतला बनाने जा रहे हैं और 65 फुट के कुंभकर्ण और 65 फुट का मेघनाथ के पुतले बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हम विशेष करने जा रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन किया है, हमारे जो राम स्वरूप हैं, हनुमान स्वरूप हैं, उन भक्तों पे जब वो परिक्रमा करेंगे अंदर युद्ध के टाइम, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से, छोटे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, ऐसा हमने अरेंजमेंट कर रखा है। दूसरा, जब वो एंट्री करेंगे हमारे गेट के अंदर, उनका स्वागत एक सपेरों की बीन होती है, जो बीन बजाते हैं, वो पूरा टीम वर्क है उनका 10 लोगों का, वो वेलकम टीम होती है, उनको बुलाया है, वो वेलकम से उनको एंट्री करवाएंगे अंदर तक लेके जाएंगे, उनको भी और हमारे जो मुख्य अतिथिगण रहेंगे उनको भी। तीसरा, इस बार नया क्या है, रावण जो आज तक आपने देखा होगा पानीपत में या कहीं भी नीचे ज़मीन पे खड़ा होकर युद्ध लड़ता है, इस बार हम ये नया करने जा रहे हैं, रावण को रथ के ऊपर खड़ा करके युद्ध करेगा। और हमारी अभी प्लानिंग जारी है, रामचंद्र और लखन के लिए भी हम एक रथ का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, वो आज हम मीटिंग में फाइनल कर लेंगे, ये नया है। इसके अलावा एक और सुझाव आया है, उसमें हम करने जा रहे हैं कि वातावरण शुद्ध रहे और एक अच्छा मैसेज जाए, हम रावण के पुतलों में हवन सामग्री भी भरने जा रहे हैं। ये 3-4 चीज़ जो मैंने आपके समक्ष रखी है वो नहीं है। कितने जो लगता है, मतलब हमारी दशहरा कमेटी में पानीपत में सबसे ज़्यादा पब्लिक यही रहती है, उसका कारण भी यही है क्योंकि खुला स्थान है, चारों तरफ से रोड खुले हैं, कई भी आवागमन में कोई दिक्कत या ट्रैफिक जाम में दिक्कत नहीं है निकलने की, तो लाखों में रहेगी पब्लिक तो मेरे हिसाब से। ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने जितनी भी हमारे ना पहले एक शोभा यात्रा निकलती है बाज़ारों से, उनमें हमने शोभा यात्रा जहाँ जहाँ से निकलनी है, एक तो हमने पूरे स्वागत द्वार लगा दिए, दूसरा पूरे रास्ते में प्लस जहाँ हमारा रावण दहन होगा या रावण दहन से पहले जो गेट लगे हुए हैं वहाँ भी हमने CCTV कैमरे लगा दिए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। चीफ गेस्ट कौन आ रहा है इसमें? चीफ गेस्ट में पहले, सबसे पहले तो परम पूज्य महंत श्री अरुणदास जी महाराज, इनके पावन सन्निध्य में हम दशहरा मनाने जा रहे हैं। चीफ गेस्ट में हमारे MP साहब संजय भाटिया जी, कृष्ण पवार जी, प्रमोद विजय विधायक, महीपाल ढांडा जी विधायक, हमारे DC साहब सुशील सारवान जी, हमारे SP साहब, एक अभी विशेष तौर पे कल हमने रिक्वेस्ट डाली है, हमारे IGP है कविराज जी, वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे मेयर है पानीपत की, मेयर अवनीत कौर जी, वो आ रही हैं। हमारे ex-MLA रोहिता रेवड़ी जी, वो आ रहे हैं। ओम प्रकाश माटा जी समाज सेवी हैं, वो आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विंदर शाह जी, वो आ रहे हैं। SP बंसल जो चेयरमैन हैं गीता ग्रुप के, वो आ रहे हैं। चंद्रशेखर शर्मा जी जो एक समाजसेवी हैं, वो आ रहे हैं। JGP नेता देवेंद्र कादियान जी जो प्रदेश सचिव नेता हैं, वो आ रहे हैं। नारायण भुटानी जी जो भुटानी बिल्डर्स हैं, वो आ रहे हैं। हनुमान स्वरूप कितने आने की संभावना है अभी तक कोई अपने पास डाटा? अभी तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो लगभग 70 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है।
तो हमें लगता है कि लगभग 100 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो पाएगा हमारा, जो हमें लगता है। और हनुमान स्वरूप ये समझ लो हमारे यहाँ इस ग्राउंड में कम से कम 250-300 तो जरूर होंगे, 400 भी हो सकते हैं, 300 प्लस होंगे, गारंटीड है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और एक अपील आपके माध्यम से जरूर करना चाहूँगा हनुमान संस्थाओं से भी, एक तो वो मर्यादा बनाए रखें, दूसरा हनुमान संस्थाओं से अपील करना चाहूँगा बिना, जो उनके साथ सेवादार होते हैं, बिना एक टी शर्ट रखी हमने, एक परमिशन के तौर पे कह लो, रजिस्ट्रेशन के तौर पे कह लो, बिना टी शर्ट कोई भी ग्राउंड के अंदर एंट्री ना करे, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जब तक पूरा हिसाब किताब नहीं होगा कितने लोग अंदर आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हमने टी शर्ट खुली दे रहे हैं उनको, जितने लेनी है ले लें, लेकिन बिना टी शर्ट एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे सेवादार भी वहाँ होंगे, पुलिस प्रशासन भी वहाँ होगा, हमारे बाउंसर भी होंगे। तो हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि इस बार हमारा साथ दें, बिना परमिशन बिना टी शर्ट के वो अंदर ना आए। धन्यवाद। परिचय रमेश माटा, प्रधान दशहरा कमेटी, सनोरी रोड, पानीपत।